आगामी 1 फरवरी को आने वाले आम बजट से मेवाती लोगों को बड़ी बेसब्री से उम्मीद है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने बजट में सरकार से बड़ी राहत देने की मांग की है। आम बजट को लेकर जब छात्रों, किसानों, व्यापारियों तथा आम नागरिकों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को हर वर्ग का ख्याल रखते हुए आम बजट में बड़ी राहत देनी चाहिए। किसानों ने कहा कि हम न केवल उनके कर्ज माफ़ होने चाहिए बल्कि खाद तथा बीज के दामों में भी कमी आनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उनमें भी कमी लाई जाए। इसके अलावा रोजमर्रा में काम आने वाले मोबाइल इत्यादि उपकरणों के दाम भी कम होने चाहिए। छात्रों ने कहा कि मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई में फीस की वृद्धि की कमी आनी चाहिए जो आम आदमी तथा गरीब परिवार की पकड़ से बाहर है। लिहाजा छात्रों को बड़ी राहत सरकार को देनी चाहिए। इसके अलावा रोज काम में इस्तेमाल होने वाली सब्जी, दवाई इत्यादि सामान की बड़ी कीमतों को कम करना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इसके अलावा महंगाई की वजह से रसोई का बजट है वह पूरी तरह से गड़बड़ाया गया है और गृहिणियों को घर चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर सके। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन होने चाहिए या फिर उन्हें बैंकों द्वारा लोन दिया जाना चाहिए ताकि युवा अपने सपनों को साकार कर सके। बजट को लेकर आम आदमी सरकार से क्या चाहता है इसे आप खुद भी सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं नुहू मिवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉकडाउन में बहुत से जो आम आदमी उनको रोजगार छिन गया और रोजगार छिनने के बावजूद जो बच्चे जो पढ़ने के काबिल हैं वह सही टाइम पे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ना कॉलेज जा सके हैं। और कुछ लोग तो कुछ बच्चे तो जैसे हम छात्र हैं, अगर कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सोचते हैं उसके खर्च हम कैसे उठा पाएंगे। हमारे सरकार से यही है कि इस बजट में छात्र और कुछ गरीब सबके लिए बजट में राहत होना जरूरी है। सरकार से हमारी ये उम्मीद है। देखो जी, कई बार कुछ गरीब लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके सपने सही टाइम पर साकार नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, उसका कारण है, रीज़न है, क्योंकि उसके आर्थिक स्थिति उनके घर से मजबूत नहीं होती है। और कुछ बच्चे के चॉइस होती है मैं IAS बनूँ, IPS बनूँ, ऐसे कोई टेस्ट क्वालिफाई करूँ, लेकिन गरीबी वजह से और वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार से उम्मीद है कि बजट में तो छात्रों को और हर गरीब आदमी को राहत मिली। नाम हकमुद्दीन है, मैं किसान परिवार से हूँ और लॉकडाउन की वजह से जो है किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। ना जो है टाइम पे खाद मिल रहा है, ना टाइम पे बिजली मिल रही है, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हुआ पड़ा है, किसान की जो है कमर टूटी हुई है। सरकार जो है किसानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों का जो है साथ दें, फसलों का अच्छा दाम दें और कुछ किसानों के लिए रियायत करें, कर्जा भी माफ़ करें। किसान जो है बिल्कुल बहुत परेशान है और बेहाल हुआ है किसान, बहुत किसानों का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा इस सरकार में, बहुत परेशान है। विषय बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के लिए सही हो और इसमें किसानों को हित के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, आम व्यापारी के लिए भी, सभी के लिए ये बजट सुविधाजनक हो। कई तो हर तरीका से मिल रही है, कहीं भी देख लो, किसी फल फ्रूट पे देख लो, सब्जियों पे देख लो, अनाज पे देख लो, हर जगह महंगाई महंगाई है। महंगाई को कम करने के लिए ही सरकार का आगे कदम उठाना जरूरी है। हाँ, ये है कि समय समय पर उनको दवाई, चिकित्सा वगैरह के घर में पूरा इंतजाम करना चाहिए और जो कोरोना का टीका जो बना है ये भी आम जनता तक पहुँचना जरूरी है, रोका जा सके। मेरा नाम रशीद अहमद है, ग्राम पंचायत लावास का हूँ और मैं गरीब किसान हूँ। मैं चाहता हूँ बजट आप सरकार पास करे तो गरीब आदमी के हित में करे, जैसे पेट्रोल मंदा हो गए या कर्जा माफ करे, तो मैं यही में बहुत खुशी हूँ और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो एक आम बजट ऐसा हो जो हर आदमी, हर नागरिक तक को लाभ पहुँचे और हर आदमी को फायदा हो, ऐसा ही सरकार बजट पेश करने की कोशिश की जाए।
तो हम व्यापारी हैं, बाकी जितनी चीजें सरकार कुछ सस्ती करेगी तो आम जनता को भी लाभ होगा, अगर महंगाई होगी तो गरीब आदमी को भी भारी नुकसान का झेलना पड़ता है। तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आम बजट गरीब के हित में होना चाहिए। मेरा नाम लोकेश कुमार है जी। हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि जो आम बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को, वह मेडिसिन वगैरह बहुत महंगी है इस टाइम, और जो पेशेंट आते हैं कस्टमर आते हैं उनके लिए महंगी देनी पड़ती है। हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये दवाइयाँ और सस्ती की जाएं ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। मेरे जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं मेवात से बहुत गरीब एरिए से जी बिलोंग करता हूँ, तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल कॉलेज हैं जी, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है गरीब आदमियों के लिए जी, तो इस बजट कम बजट में फीस होने की जी उससे फ़ायदा होना चाहिए गरीब आदमियों को जी। मैं इसी चीज़ को उम्मीद कर रहा हूँ जी, तो यही है जी कि गरीब आदमियों के लिए सबसे कम दाम सारी चीज़ का ही होना चाहिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ताकि गरीब बच्चे भी जी IAS IPS बन सकें जी, गरीब बच्चों का विकास हो जी और आगे बढ़ सके जी, और जी गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जी। नाम अब्दुल वहीद है जी। जो ये सरकार बजट पेश करने जा रही है इसमें हमें फ़ायदा होना चाहिए, जो कि गरीब आदमी को आम आदमी को फ़ायदा हो सके, जैसे बिजली का सामान है, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, जो सस्ते दाम में मिले, ऐसा बजट होना चाहिए, हम इसी की उम्मीद कर रहे हैं जी, और जिससे किसान हित का गरीब आदमी का जो भी फ़ायदा होना चाहिए। मेरा नाम कमल देन है जी। बजट जो पेश होने जा रहा है इसमें भी महंगाई का दौर है, और आज का सरकार जो है वो महंगाई की खाद भी महंगा और तेल भी महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, क्या करें किसान, मैं अकेला का जमींदार हूँ, मेरे पास वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि हर चीज़ की महंगाई, क्या करें। मैं और महंगाई ही करेंगे ये भाजपा सरकार जो है, इसमें मांग ये है कि पेट्रोल डीजल ये बंदे होने चाहिए, खाद वाद ये भी बंदे होने चाहिए, सस्ते दामन में होने चाहिए, ये हर चीज़ महंगी है, क्या करें जमींदार, सारी है महंगाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हिदायत। इसमें आम बजट में डीजल सस्ता हो जाए, किसान के लिए खाद भी सब सस्ता हो जाए, किसान के लिए तो फायदा है। बजट तो घने का माज, जमींदार बहुत बड़ा नुकसान चल रहा है, फसल महंगी नहीं बिकती है, सस्ती बिक रही है, खाद भी डीजल पेट्रोल सब महंगा बिक रहा है। मैं ना हूं नहीं। आम बजट ये किसान को हमें सस्ता होना चाहिए। मेरा नाम इखलास है। इखलास अहमद। तो यहाँ पे उम्मीद है क्या, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, ख़ास तौर से मतलब जो गरीब लोग हैं ना उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि मतलब आजकल हर कोई मतलब पैसा के पीछे भाग रहा है, तो पैसा की वजह से भागने की वजह यह है जो अच्छे स्कूल है ना वो अच्छी फैसिलिटी देते हैं, सब सुविधा देते हैं, लेकिन वो उसकी कमी एक है, वो उसका जो पैसा वाला जो सिस्टम होता है ना वो हाई फाई होता है, अमीर घरों के बच्चे उसमें पढ़ पाते हैं, लेकिन जो गरीब है मतलब जो भी बिल्कुल BPL में है, APL में है, वो बहरहाल जैसे भी सिचुएशन में है तो हर कोई उसको पे नहीं कर सकता ना आसानी के साथ, अमीर तो कर पाएंगे, तो लोगों की सोच बदली जाए, जैसे लोग मतलब प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, अगर लोग सरकारी स्कूल की तरफ भागें ना, सब लोगों को मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है आजकल, एक ही मांग है सर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, ख़ास तौर से मतलब उन्नति हो देश की। क्या मांग करना चाहेंगे? आम बजट में ना या जो गरीबों का हितों का ध्यान दिया जाए, ख़ास तौर से मतलब सबको मतलब सामान लाने के लिए जो पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे गरीब गुरबे हैं, जो भी BPL लाइन से जो भी लाइन से हैं, तो उनका सतर उठाया जाए ऊपर, शिक्षा शिक्षित किया जाए लोगों को, मतलब लड़कियों को भी बॉयज़ को भी, जो भी मतलब जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया पैसों की बदौलत, तो उनको दोबारा से एडमिशन दिलाया जाए।